उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। प्यारे बच्चों, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे बुक्स, टॉयज एंड एनिमल्स। तो चलिए सुनते हैं एक स्टोरी, द फेथफुल डॉग, जिसमें शक्ति और वेद को एक बहुत प्यारा दोस्त मिलता है। वन डे शक्ति एंड वेद वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ऑन द वे दे सॉ एन इंजर्ड डॉग। रास्ते में उन्हें एक घायल डॉग दिखा। भैया भैया, सी देयर इज एन इंजर्ड डॉग। ओ यस, इसे तो बहुत चोट लगी है। आई थिंक इसे किसी व्हीकल ने हिट किया है। यस भैया, देखिए ना, इसका कितना सारा ब्लड निकल रहा है। वी शुड हेल्प इट। ओ श्योर, हम इसे पास के ही गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल ले चलते हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल? यस, वेटरनरी हॉस्पिटल, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल्स होते हैं। आई सी, ये तो बहुत ही अच्छा है। चलो भैया, जल्दी चलते हैं। और इस तरह वो दोनों बच्चे जल्दी जल्दी उस इंजर्ड डॉग को लेकर वेटरनरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शक्ति, यू टेक केयर ऑफ दिस डॉग। तब तक मैं रिसेप्शन पर जाकर वेटरनरी डॉक्टर के बारे में पता करता हूँ। ओके भैया। एक्सक्यूज मी सर। यस लिटिल बॉय, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मुझे रोड पर एक इंजर्ड डॉग मिला है, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। वेयर कैन आई फाइंड अ वेटरनरी डॉक्टर? गो स्ट्रेट टू द चैम्बर नंबर 4, डॉक्टर शर्मा इज देयर। थैंक यू सो मच सर। They both rushed towards the doctor's chamber. वो दोनों दौड़कर डॉक्टर के चेंबर में पहुंचते हैं। डॉक्टर, जल्दी से इस डॉग का ट्रीटमेंट कर दीजिए, इसे बहुत चोट लगी है। Oh, let me see. Bring it here and don't worry. मैं अभी इसका ट्रीटमेंट कर दे रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, हो गई आपके डॉग की बैंडेज। और थोड़े दिन इसकी अच्छे से देखभाल करना, ये एकदम फिट हो जाएगा। और इस तरह वो दोनों बच्चे उस इंजर्ड डॉग का ट्रीटमेंट कराकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। पर अचानक वो सोच में पड़ जाते हैं। भैया, इसको घर कैसे ले चले? मांगू तो डॉग्स पसंद ही नहीं है। यू आर राइट शक्ति, पर अब हम इसे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। अभी इसकी चोट कहाँ ठीक हुई है? लेट्स प्लान समथिंग। और फिर उन दोनों बच्चों ने अपने घर के बाहर कार्टन में पुराने कपड़े डालकर उस डॉग को धीरे से लिटा दिया। And every day they both secretly gave their share of milk and biscuits to the dog. कुछ ही दिनों में डॉग एकदम फिट एंड हेल्दी हो गया। One day, शक्ति and वेद की पूरी फैमिली पार्टी में गई थी। It was getting dark. तभी two thieves quietly दबे पांव वेद के घर में घुसने की कोशिश करने लगे। खटपट की आवाज से डॉग की नींद खुल गई। Seeing the two strangers entering the house,
वह जोर जोर से भौंकने लगा। Hearing the dog barking, आसपास के लोग भी जमा होने लगे। The thieves got scared and they tried to run away. उनको भागता हुआ देखकर डॉग ने झट से उन पर अटैक किया और एक थीफ का पैर दबोच लिया। The thief cried in pain. मार डाला। इस डॉग ने तो मुझे घायल कर दिया। अब मुझे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तभी आसपास के लोग भी वहां आ जाते हैं। They caught the thieves and informed the police. इसी बीच शक्ति और वेद की फैमिली भी पार्टी से वापस आ जाती है। What happened? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? Mr. Singh, when you all had gone for the party, जब आप लोग पार्टी में गए थे, तब आपके घर में ये चोर आ गए थे। ये इनामी चोर हैं, लेकिन आपका डॉग तो बहुत ब्रेव है। इसने न केवल आपका सामान चोरी होने से बचाया, बल्कि इन खतरनाक चोरों को भी पकड़वाया। डॉग? कौन सा डॉग? We don't have any dog. माँ, this is our dog. ये हमारा डॉग है। इसे मैंने और शक्ति ने आपसे छिपा कर रखा था। और जब सभी लोग बातें करने में बिजी थे, that little dog was looking at the mother with its shining little eyes. और वह प्यार से अपनी टेल को हिला रहा था। माँ को भी उसकी भोली सूरत देखकर दुलार आ गया और उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। Oh wow! Now it's our new family member, Bruno.